हेलो गाइस, तो यार कैसे हो आप सब। तो गाइस आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन के स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर सातोरू गोजो के बारे में। और सुकुना से भी कोई बैडेस्ट कैरेक्टर है इस एनिमे में तो वो यही है। तो गोजो के अपीयरेंस के बारे में बात करें तो उसकी हाइट है 6'3" और अभी आप सोच रहे हो कि यार तुझे कैसे पता, तो यार ये जुजुत्सु काइसन के विकी पे है। पर आप वहां मत जाना क्योंकि स्पॉइलर वहां आपका इंतजार कर रहे हैं, तो स्पॉइल नहीं होना चाहते तो मत जाना। तो उसका हेयर कलर है व्हाइट एंड आई कलर इज लाइट ब्लू, जो कि बहुत कमाल के दिखते हैं। तो वो बिलोंग करता है टॉप 3 क्लैन में से एक, गोजो क्लैन में से, और वो स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर और जुजुत्सु सॉर्सरर का टीचर भी है। पर्सनैलिटी की बात करें तो वो अपने स्टूडेंट्स के सामने फुल मजे में रहता है और हंसता खेलता रहता है, पर बात जब होती है कर्सेस की तब वो बहुत ज्यादा मर्सीलेस हो जाता है, जो कि हम उसकी जोगो वाली फाइट में देख चुके हैं। गोजो को अपनी एबिलिटीज पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, और इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो कहते हैं कि सुकुना को उसकी पहले 20 फिंगर्स देगा और उसके बाद मारेगा, जैसे सुकुना की कोई औकात ही नहीं है। फिजिकल पावर देखे तो उसके पास है इमेंस स्ट्रेंथ, उसके किक्स और पंचेज इतने पावरफुल है कि वो एक स्पेशल ग्रेड कर्स को बिना किसी प्रॉब्लम के लड़ सकता है। सुपर ह्यूमन स्पीड एंड रिफ्लेक्स, स्पीड इतनी ज्यादा है कि उसे एक स्पेशल ग्रेड कर्स भी मूव करते वक्त नहीं देख पाता है। और लास्टली इंटेलिजेंस, गोजो अगर किसी ऐसे अपोनेंट से लड़ रहा है जिससे वो आज तक भी मिला भी नहीं, स्टिल वो जो है उसे हराना कैसे और उसका अटैक अवॉइड कैसे करने सब पता लगा लेता है। और जुजुत्सु टेक्निक में गोजो के पास है बहुत सारी कर्स एनर्जी, और वो इतनी ज्यादा है कि वो एक दिन में बहुत बार डोमेन एक्सपेंशन यूज कर सकता है, जहां पे ज्यादातर सोर्सर सिर्फ एक दिन में एक ही बार यूज कर पाते हैं। गोजो का अपनी कर्स एनर्जी पे बहुत बढ़िया कंट्रोल है, वो डोमेन एक्सपेंशन सेकंड्स में यूज कर सकता है। लेकिन जिस चीज के लिए गोजो पॉपुलर है वो है उसकी 6 आईज एंड उसकी क्लैन की लिमिटलेस कर्स टेक्निक। इनर्टी टेक्निक में है लिमिटलेस, जहां वो स्पेस को एटॉमिक लेवल यानी एटम्स को भी मैनिपुलेट कर सकता है। और ये सुनने में कॉमन लग रहा होगा पर ये सच में बहुत कमाल की चीज है। दूसरी टेक्निक है इन्फिनिटी, जिसमें वो जो है टाइम को स्टॉप कर सकता है, और अगर कोई चीज गोजो को मारने की कोशिश कर रही है तो वहां कोई चीज उसे टच भी नहीं कर सकती है, जो कि हम एपिसोड 7 में गोजो वाली फाइट में देख चुके हैं कैसे जोगो उसे टच भी नहीं कर पा रहा था। इसके बाद है डोमेन एक्सपेंशन, सातोरू गोजो का डोमेन एक्सपेंशन का नाम है अनलिमिटेड वर्ल्ड, जहां सब देख सकता है, फील कर सकता है, पर वो जो है कभी उस चीज से बाहर नहीं निकल सकता, और गोजो जब चाहे तब उसे मार सकता है। और गोजो का डोमेन एक्सपेंशन सुकुना से काफी सिमिलर है, और जिसने सुकुना वाली वीडियो नहीं देखी है वो जरूर जाके देख लेना, मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। मेन एबिलिटी है 6 साइज, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन ये लिमिटलेस टेक्निक को यूज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। गोजो के पास और भी टेक्निक है बट मैंने इसलिए वो नहीं बताई है क्योंकि वो जो आपको स्पॉइल कर सकती है। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आपके लिए सातोरू गोजो के फन फैक्ट, पहला फैक्ट ये कि गोजो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो ज्यादा कुछ ट्राई नहीं करता है और फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ देता है। प्रिंसिपल यागा गोजो के टीचर है, और गोजो ने स्वीट्स खाना स्टार्ट किया था अपना दिमाग तेज करने के लिए, पर आखिर में उसके दांत पे कीड़े लग गए हैं। गोजो रैंक 3rd प्लेस इन पॉपुलैरिटी ऑफ जुजुत्सु काइसन कैरेक्टर विद 16,923 वोट। सो गाइस जरा अभी मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं तो अभी वीडियो स्टोरी टाइम के लिए नहीं आएंगी, पर जैसे ही मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे मैं वीडियो आ जाएंगी। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर मार देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ऐसे वीडियोस मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सायनारा बाय बाय।